सर बजट पेश किया गया, किस तरीके से देखते हैं ये बजट? इसको कहते हैं स्टेटस को, इस बजट है, इसमें कोई नया आइडियाज नहीं है। इस बजट के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा आने वाले दिनों में। साथ ही साथ इस बजट के बजट में रिफॉर्म्स के बारे में कुछ कहा नहीं है। बजट में खेती के लिए, किसानों के लिए विशेष रूप में उन्होंने कुछ दिया नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन सिफारिशों को अमल करने के संदर्भ में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाने के संदर्भ में बजट में कुछ कहा नहीं है। और वो किसानों का ब्याज का, ऋण का ब्याज जो कम करने का डिमांड था, उसके बारे में उन्होंने कहा जो समय पे जो वापस करेंगे पैसा, उनको 3% छूट देंगे। समय पे वापस करने का स्थिति में नहीं है। किसान निराश होकर, हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा लोग समय पे वापस करने की स्थिति में है क्या? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सब ने मांग किया ये किसानों का ब्याज का ऋण, उसका परसेंटेज ऋण का ब्याज ये 3% होना चाहिए। सरकार ने वो काम भी किया है, इसलिए ये निराशाजनक बजट है, डिसअपॉइंटिंग है। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी किया और सब सेक्टर्स को इसमें, अब उस परिधि में लाया। मिडिल क्लास के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ होगा।